हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम टू ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं इंजीनियर गौरव सौ कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है कि ब्रिजेस जो आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा फेल हो रहे तो क्यों होते हैं, ऐसे कौन कौन से लोड्स हमारे ब्रिजेस पर एक्ट करते हैं और उस पर क्या क्या डिजाइन कंसिडरेशन हमें लेना पड़ता है जिससे हमारा इन फ्यूचर ब्रिज फेल ना हो, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब तक तो आप सब ने ये वाली वीडियो तो जरूर देखी ही होगी, जैसे कि हमारा ब्रिज कुछ 200 मीटर का सेक्शन पूरा नदी में, गंगा नदी में समा गया, गिर गया, कोलैप्स हो गया। बट खुशी की बात ये किसी भी तरह की कैजुअल्टी नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारे ब्रिजेस कोलैप्स कर रहे हैं, कभी नदी के ऊपर तो कभी नॉर्मल रोड्स के ऊपर, हमारे हार्ट स्टेटा के ऊपर भी ब्रिजेस कोलैप्स हो रहे। तो आज बात करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, कौन कौन से लोड्स इस पर एक्ट करते हैं, अगर उसको हम डिजाइन कंसिडरेशन में नहीं लेंगे तो हमारा भी ब्रिज इसी तरह कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये हमारा इंडिया का पहला ब्रिज कोलैप्स नहीं था, इंडिया में रिसेंट टाइम से काफी सारे ब्रिज कोलैप्स हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा 2018 में मेजर हार्ट ब्रिज कोलैप्स हुआ था जिसमें हमें कैजुअल्टी 3 हो गई थी। साथ ही साथ हमारा सिलीगुड़ी का एक ब्रिज कोलैप्स हुआ था 2013 में, कुछ इस तरीके का। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा गर्डर लॉन्चिंग के बाद पूरा गर्डर ही कोलैप्स कर गया है। सिलीगुड़ी के ब्रिज कोलैप्स में अच्छी बात यह थी कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन था और इस पे किसी भी तरह का व्हीकल रन नहीं कर रहा था, तो इसमें जान हानि होने की संभावना बहुत कम थी। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पे अंधेरी ब्रिज कोलैप्स 2018 में जिसमें 5 कैजुअल्टी हुई थी, और साथ ही साथ 1964 में पंबन ब्रिज कोलैप्स, ये हुआ था पंबन में आए हुए साइक्लोन की वजह से, जिसमें कैजुअल्टी ओवरऑल साइक्लोन की वजह से जो कैजुअल्टी हुई थी वो लगभग 1800 कैजुअल्टी हुई थी। रिसेंट टाइम से ब्रिजेस अब इस तरीके से डिजाइन हो रहे कि इस तरीके के कोलैप्स को हम पहले ही मिटिगेट कर सकते हैं और कोलैप्स होने से पहले ही हम जान सकते हैं, उसे बचा सकते हैं, इस तरीके से हम स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या लोड्स हमारे ब्रिजेस पर एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है डेड लोड। डेड लोड का मतलब होता है जो ब्रिज का अपने आप में जो लोड रहता है, उसका स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, साथ ही साथ उसका डेक स्लैब या गर्डर, जितने मटेरियल से वो मिलकर बना है, जितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, वो हमारा डेड लोड में आता है। साथ ही साथ आता है लाइव लोड। अब लाइव लोड का मतलब होता है जो हमारी व्हीकल्स उस पर रन कर रही है, जो हम ह्यूमन बींग्स उसमें गाड़ी के साथ चल रहे, जो हमारे ट्रक्स चल रहे, बसेस चल रहे, वो होती है हमारी लाइव लोड। इसके बाद आता है हमारा विंड लोड। हमारे ब्रिज के डिजाइन एंड प्लानिंग में विंड लोड का कंसिडरेशन काफी ज्यादा है, क्योंकि विंड लोड हॉरिजॉन्टली प्लस वर्टिकली इस पे अपना लोड ट्रांसफर करती है। अगर विंड लोड हम कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारा ब्रिज कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारा आता है सेस्मिक लोड। सेस्मिक लोड का मतलब रहता है जो हमारे अर्थ का मूवमेंट है, चाहे वो भूकंप हो, उससे हमें अपने ब्रिज को बचा कर रखना है, वो होता है हमारा सेस्मिक लोड। साथ ही साथ आता है हमारा टेम्परेचर लोड। अब टेम्परेचर लोड, टेम्परेचर तो कोई लोड एग्जर्ट नहीं करता, तो टेम्परेचर का लोड कैसे हो सकते हैं। टेम्परेचर का लोड से मतलब है कि जो हमारा मटेरियल है उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर की वजह से, चाहे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो वो एक्सपेंड करेगा, साथ ही साथ टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये आता है हमारा टेम्परेचर लोड में। हर एक मटेरियल मिलीमीटर्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन शो करता है, ये हमारा टेम्परेचर लोड में आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है केबल टेंशन लोड। केबल टेंशन लोड का मतलब रहता है जैसे कि रिसेंट टाइम से जो हमारा बिहार ब्रिज कोलैप्स हुआ है, वो एक केबल वे ब्रिज था, मतलब कि उस पे केबल से हमारा डेक स्लैब को सपोर्ट दिया गया था, हमारे ब्रिज के डेक स्लैब को केबल के मदद से उसे सपोर्ट दिया गया था। तो जो हमारा केबल है, केबल उस डेक स्लैब को पकड़ कर रखा है, तो उस पर कुछ ना कुछ लोड आ रहा होगा। आप कोई भी मटेरियल या मार्केट से आप सब्जी लेकर आते तो जो आप थैला पकड़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वेट रहता है, जब आप वो थैला पकड़ते तो आपका हाथ खिंचाता है, वो होता है हमारा केबल टेंशन लोड। अगर आप थैले को इमेजिन कर लीजिए एक लोड की तरह, तो वो हो गया हमारा केबल टेंशन लोड। तो जितना भी हमारे ब्रिज का लोड है वो केबल के थ्रू आ रहा है, तो केबल में जितना लोड है उसे ही केबल टेंशन लोड कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा केबल एक्सेंट्रिसिटी लोड। इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल ये आप एक रिमोट देख रहे हैं, इस रिमोट का समझ लीजिए कि एक डंबल है। डंबल हम सब ने जिम गए हैं, कभी ना कभी हमने डंबल उठाया है। तो अगर हम डंबल ऐसे रखे हुए और ऐसे उठा रहे, हम वर्कआउट कर रहे, जब हम डंबल नीचे करेंगे तो इस लोड की वजह से, इस डंबल की लोड की वजह से हमारे मसल्स में यहाँ पे तनाव पैदा होगा, खिंचाव पैदा होगा, इसी को हम कहते हैं केबल एक्सेंट्रिसिटी लोड।
नेक्स्ट जो हमारा लोड एक्ट करता है वो है हमारा कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस लोड। इसका मतलब रहता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हमारा जो ब्रिज में इक्विपमेंट्स है, जो भी हमारे गर्डर लॉन्चिंग के इक्विपमेंट्स है, साथ ही साथ जो भी गाड़ियां उस पर चल रही है या जो भी मशीनरी या टूल्स उस पर यूज हो रहे वो हमारा कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस लोड में आ जाता है। तो इतने सारे लोड हमारे एक नॉर्मल ब्रिज पर एक्ट करते हैं, इन सभी का कंसिडरेशन हमें लेना पड़ता है। तो ये तो हो गए हमारे लोड्स के बारे में बातें। अब जान लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे हमारा ब्रिज जनरली कोलैप्स करता है। तो सबसे पहले होता है हमारा डिजाइनिंग एंड प्लानिंग इश्यूज। अगर हमारा डिजाइनिंग और प्लानिंग में इश्यू है, अगर हमारा डिजाइन फुल प्रूफ नहीं है, फुल प्रूफ से मेरा मतलब है अगर डिजाइन हम इस कंसीडर करके नहीं बना रहे कि उस पर कितना लोड आने वाला है और कितना लोड वो सह सकता है, अगर हम वो ही कंसीडरेशन में नहीं लाएंगे डिजाइन फेलियर होगा तो हमारा स्ट्रक्चरल भी फेलियर होगा ही होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इनसफिशियंट कंसीडरेशन ऑफ साइट कंडीशन। इसका मतलब रहता है कि कुछ ब्रिजेस हम बनाते पहाड़ों के ऊपर, कुछ हम बनाते नदी पार करने के लिए, कुछ हम बनाते समंदर के ऊपर, तो हर साइट अलग अलग होती है, तो हमें साइट का कंसीडरेशन लेकर चलना पड़ता है। हो सकता है वहां की मिट्टी काफी ज्यादा हार्ड हो तो हमें साइट का कंसीडरेशन लेकर चलना। ऐसा नहीं कि आपने एक ब्रिज का डिजाइन बना लिया है और उसे ही हर जगह आप इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें हर साइट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग होगी। नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल इश्यूज। ये जनरली अगर हम पुअर क्वालिटी का मटेरियल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्टर ही केपेबल नहीं है, अगर वो खुद ही कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर प्लानिंग जो हमारा IRC प्रोवाइड करता है, हमारा मॉर्थ प्रोवाइड करता है, जो स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग अगर मीट करते हुए नहीं बनाता उस क्राइटेरिया में, तो हमें ये इश्यू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में मैंने जैसे बताया कि एडिक्वेट हमारी क्वालिटी वहां पे मेंटेन हो नहीं पा रही है, क्वालिटी इंजीनियर के द्वारा क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में ये भी हो सकता है कि हमारे जो लेबर है, जो हमारे मिस्त्री है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं वर्क कर रहे हैं, या फिर जो जिस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल आपको जिस डाया का बार यूज करना है आप उससे कम यूज कर रहे हैं, या जिस लेंथ का हमें बार यूज करना है उससे कम कर रहे हैं, या फिर उसके बीच की स्पेसिंग्स कम है या ज्यादा है, या तो उस पर हनीकॉम्बिंग की इशू आ गई, तो ये सारे पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स। अब जनरली यहाँ पे क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर को जब एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है वहाँ पे अगर वो मटेरियल में ही धांधली करने लग जाए, अगर मटेरियल ही अच्छा नहीं यूज कर रहा है, तो वहाँ पे हमारा सब स्टैंडर्ड मटेरियल रहेगा जिसपे लोड बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम रहेगी, स्ट्रेंथ बहुत कम रहेगी, तो वहाँ पे भी हमारा स्ट्रक्चर फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंस्ट्रक्शन एरर। जनरली हमारे जब भी कंस्ट्रक्शन एरर्स होते हैं तो क्वालिटी इंजीनियर का काम रहता है कि उस चीज को इनपुट ले और उसे रेक्टिफाई करे, बट जनरली अगर कंस्ट्रक्शन एरर आता है तो उसे रेक्टिफाई रफा दफा कर दिया जाता है जिससे कि हमें पता ही नहीं चलता, बट स्ट्रक्चरली वो काफी ज्यादा वीक हो चुका रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन। बाय टाइम एक बार ब्रिज हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया, इनॉग्रेट हो गया, उस पर लाइव लोड हम गाड़ियां चलाने भी लग गए, तो उसके रेगुलर इंस्पेक्शन और साथ ही साथ मेंटेनेंस वर्क करवाना भी उतना ही जरूरी रहता है जितना ब्रिज बनाना। अगर हम मेंटेनेंस में ध्यान नहीं देंगे, कहीं पे क्रैक डेवलप हो गया और हमें ध्यान नहीं है, तो वहां पे भी ये स्ट्रक्चर फेलियर का रीजन बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा लैक ऑफ इंस्पेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया अगर लैक ऑफ इंस्पेक्शन मेंटेनेंस में रेगुलरली हमें चेक करना है कि ब्रिज में कोई इशू तो नहीं आ रहे, कोई पॉट होल्स तो क्रिएट नहीं हो रहे, कहीं पे क्रैक्स तो क्रिएट नहीं हो रहे, तो ये हमारे लैक ऑफ इंस्पेक्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल फैक्टर्स। जो हमारा सेस्मिक लोड है, सेस्मिक या फिर भूकंप, या हो सकता है कि जो हमारे अर्थ का सरफेस अगर वो मूवमेंट करने लगे, भूकंप आने लगे, अर्थक्वेक आने लगे, हम नेचुरल फिनोमिनन को तो रोक नहीं सकते, बट हम इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि उस अर्थक्वेक के फैक्टर को हमारा ब्रिज विदस्टैंड कर सके, बट अगर हमारी डिजाइनिंग में ही फ्लॉ है तो जब नेचुरल फैक्टर आएगा हो सकता है फ्लड हो सकता है कि वहां पे वो अर्थक्वेक आ जाए, अगर डिजाइन में ही फेलियर है तो वो वहां पे स्ट्रक्चरल फेलियर हमें देखने को ही मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि इंडिया में रिसेंट टाइम से कौन कौन से ब्रिज कोलैप्स हुए, उस पर कैजुअल्टी कितनी हुई, साथ ही साथ हमने जाना कि किस किस प्रकार के लोड्स इस पे वर्क करते हैं और क्या क्या रहते जिससे हमारा स्ट्रक्चरल फेलियर होने के चांसेस रहते। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं बस आपको बोलना चाहूंगा, करना है कुछ खास तो चलिए हमारे साथ सिविल के बाद गुरुजी के साथ। अंटिल देन थैंक यू सो मच।